वेलकम बैक टू माई चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम बनाने वाले हैं अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग पूरे घरारा स्टाइल में। ये है हमारी हैप्पी कस्टमर जिसका पिक्चर मैंने इंसर्ट किया है। यहाँ पे फटाफट से मैंने 4 मीटर का फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ एक्चुअली काफ़ी बड़ी थी 55 की। अगर आपका विड्थ कम है फैब्रिक का तो आप 4 मीटर ले लीजिए कपड़ा। मैंने इसे 4 फोल्ड में बिछाया है। जैसे मैंने बताया इसका विड्थ और लेंथ मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। और यहाँ पे हमने सर्कल बनाया है। यहाँ पे वेस्ट लाइन से हमने मेजरमेंट लिया है इस तरह से। यहाँ पर हिप साइज 32 इंच है और 32 डिवाइड बाय 4, फिर उसमें प्लस हम मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे क्रॉच लिया है, क्रॉच हमने लिया है 12 इंच और यहाँ पे हमने 2 इंच का वेट दे के यहाँ पे इस तरह से कर्व दे दिया है। तो और एक कर्व दे देंगे हम, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप याद रहे कि ओपन साइड से आप क्रॉच निकालें। यहाँ पे टोटल लेंथ हमारी निकालेंगे हम कितनी चाहिए हमको बेल्ट का साइड छोड़ के, 2 इंच बेल्ट छोड़ के। यहाँ पे हमें करीबन ये रेडी लेंथ चाहिए थी 37 साइज़ की, तो हमने 35 का लेंथ लिया है यहाँ पे कटिंग के लिए। तो जब लेंथ मेजरमेंट करोगे आप, सबसे पहले आपको वो कर्व वाले लाइन से लेना है, ठीक है। फिर हमने फटाफट से यहाँ पे कर्व इसका ड्रॉ कर दिया। अब बस अभी अभी क्या करना है हमें, अब इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ से हमने कट कर दिया। फिर हम यहाँ पे क्रॉच कर्व भी कट कर देंगे इसी तरह से और फिर हम नीचे की लाइन को कट करेंगे, ठीक है जी। अगर आपके कपड़े की विड्थ कम है या नॉर्मली जितनी 44 होती है तो आई रिपीट, आप डबल फोल्ड में कपड़ा रखकर आप इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत घरारा साइज घेरा चाहिए तो आप 4 फोल्ड में बना सकते हैं। इसी मेजरमेंट टिप से हम फुल घेर शरारा कटिंग कैसे करें, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं उसे डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि डिटेल वीडियो और अपकमिंग न्यू वीडियोस आपको न्यू डिज़ाइन में न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ मिलते रहें। ये लीजिए, ये हमारा रेडी हो गया। हमने इस तरह से देखिए ये राउंड शेप में काटा था, तो साइड में हमारा जो कर्व है उसको हमने स्टिच करना है। यहाँ पे राउंड लेकर हम बेल्ट लेंगे, बेल्ट का जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उतना ले लेंगे। विड्थ हमारे बेल्ट की होगी 4 इंच क्योंकि हमें फोल्ड करना है, तो वो 2 इंच का बेल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हम अटैच कर देंगे बेल्ट को। और अगर आप बेल्ट के दोनों पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में भी जॉइन करके अटैच करोगे तो बहुत ईजीली और फिनिशिंग के साथ ये लग जाती है। ये दिखने में जितना डिफ़िकल्ट या खूबसूरत लगता है उससे कहीं ज़्यादा इजी ये बनाने में है। एंड ये हमारा बेल्ट लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, हाँ इस तरह से जो हमारा बेल्ट और साइड कर्व को भी हमने स्टिच किया है, अब हम इसे बीच में से उठाकर यूं दोनों लाइंस को बीच में लाकर यूं दोनों पाँव को अलग कर देंगे, ठीक है जी। इस तरह से ये लीजिए, या और यहाँ से अभी हमें सिंपल स्टिच कर देना है। और नीचे की ओर आप लेसेस लगाओ या पीकू करो कर सकते हो, जिससे फिनिशिंग और आएगी। अब हमने इसमें इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक आपका जो भी वेस्ट होगा, यानी टोटल वेस्ट साइज में से आपको 6 इंच माइनस करना है। उसकी डिटेल भी कई सारे मेरे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन की है इलास्टिक किस तरह से लगाते हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इस तरह से ये घरारा बन चुका है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।